नमस्कार, मैं गोपाल ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आप सभी को पता है न्यूज प्लस टीवी चैनल ने कार्यक्रम शुरू किया स्टार ऑफ हिमाचल। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सिंगिंग का रियलिटी शो है। तो उसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चम्बीधार में आइए मिलते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी से। मैं चाहूंगा कि प्रधानाचार्य जी पहले अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं धर्मदास सिमर, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चम्बीधार। और इस विद्यालय में 167 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। मैं न्यूज प्लस मीडिया का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि वे टैलेंट हंट और वो भी गायन के क्षेत्र में इस खोज के लिए अगर निकले हैं तो मुझे आशा है कि इस विद्यालय से ही नहीं, इस क्षेत्र से ही नहीं, अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश से जो भी सितारे चुन करके जाएंगे गायन के क्षेत्र में, वो जरूर आभारी रहेंगे न्यूज प्लस मीडिया के। और एक बार फिर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आप के द्वारा चलाया जाने वाला यह कार्यक्रम बहुत ही काबिले तारीफ है और प्रशंसनीय योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही स्कूल से लगभग 2-3 दर्जन बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, स्टार ऑफ हिमाचल में भाग लिया। मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के माता पिता के लिए कुछ 2-4 शब्द कहें सर। विद्यालय स्तर पर मेरा अपना भी ये प्रयास रहा है कि हर एक बच्चे के अंदर प्रतिभा छुपी होती है, उस प्रतिभा को निखारने परखने का जो कार्य है वो विद्यालय स्तर पर भी किया जाता है। आज एक सुनहरा अवसर जो न्यूज प्लस मीडिया के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, मुझे लगता है कि जो 24 विद्यार्थी इस विद्यालय से जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया, जिनका इसमें चुनाव होना है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई विद्यार्थी जरूर हमारा 6 राउंड में, जो जैसा कि अभी मुझे गोपाल जी ने बताया इसमें 6th राउंड होंगे, 6th राउंड हमारा जो फाइनल राउंड होता है, तो मुझे लगता है कि इस विद्यालय से जरूर जो विद्यार्थी हैं वो चुन करके जाएंगे। और अभिभावक गण से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों की उनकी इच्छा के अनुसार जिस भी क्षेत्र में उनकी प्रतिभा है उस दिशा में उनको सहयोग प्रदान करने में पीछे नहीं हटे, ऐसा मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा सर ये बात सुनकर कि जिस क्षेत्र में बच्चों का शौक होता है उस क्षेत्र में बच्चों को भेजना, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा संदेश दिया। तो थोड़ी सी जानकारी हम स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे सर आपसे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि वैसे तो इस विद्यालय में, जैसे मैंने पहले नामांकन के बारे में बताया कि इस विद्यालय में 167 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और मेरे इस विद्यालय में 11 जो है वो अध्यापक हैं, लेकिन एक DP का पद, एक लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस और एक लेक्चरर हमारे पास हिंदी का जो पद है वो खाली चला हुआ, साथ में हमारे पास विज्ञान स्नातक यानी कि TGT नॉन मेडिकल का पद भी खाली चला है, और साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट Grade 1 और सीनियर असिस्टेंट का एक पद, और साथ में हमारे पास क्लर्क का जो पद है वो भी खाली चला हुआ है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात रखूँ तो इस विद्यालय में, वैसे तो ये विद्यालय जैसे आप हम यहाँ पे पहुँचे, जैसे मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ का जो एक अलौकिक दृश्य इस परिसर में बनता है, देखने को बनता है, उसका मैं बहुत ही कायल हूँ। लेकिन इस विद्यालय में कमरों को लेकर के अगर मैं बात रखूं तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 4 और 5 कमरों के एक एग्जामिनेशन हॉल, एक 4 कमरों की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि 2 कमरे हमारे लगभग असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं, और उसमें +1 और +2 की जो कक्षा है हमारी वो वैसे ही हम बरामदे में लगा रहे हैं। तो इस न्यूज मीडिया चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा कि इस विद्यालय के लिए मेरा अपनी ओर से जो प्रयास है, जो भी विभाग की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो दिशा निर्देश हमें उप शिक्षा निदेशालय सिरमौर की तरफ से हमें
प्राप्त हुए हैं उनको भी हम फॉलो कर रहे हैं और प्रक्रिया हमारी चली हुई है। विद्यालय में इन कमरों के लिए एस्टिमेट की जो प्लानिंग है वो भी हमारी चली हुई है। 4 कमरों का एक निर्माण करवाया जाना है, उसके लिए भी एस्टिमेट के लिए हमने पत्राचार जो आरंभ कर दिया है। और साथ में एक एग्जामिनेशन हॉल की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं तो इस विद्यालय में अभी मुझे लगभग 3 महीने हुए हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि सतत प्रयास का आईना है ये विद्यालय हमारा। उभरते चमकते सितारों से शोभायमान होगा ये विद्यालय हमारा। इसी के साथ धन्यवाद।